Hello, my beautiful kids. This is Sarita, and welcome back again to Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. So, we are going to learn an interesting topic again, okay? And it is from Environmental Studies, Part 1. And the chapter is The Sky Above Us. So, what does it mean? Sky, you know the sky, आसमान जो हमारे ऊपर है, ठीक है। आपने आसमान में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, sky में stars देखे होंगे, sun देखा होगा, moon देखा होगा, है ना। So आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ओके, एंड हम उनको क्या बोलते हैं। ओके किड्स, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, सो किड्स, एज यू नो दैट वी लिव ऑन अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ ये है, अर्थ राउंड होता है ना। अर्थ क्या होता है? राउंड होता है, जिस पर हम रहते हैं। ओके किड्स, सो वी लिव ऑन अर्थ। द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल। अर्थ कैसा होता है? एक बहुत बिग बॉल के जैसा होता है। ओके किड्स, इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ये किससे बना होता है? लैंड एंड वाटर से बना होता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। तो जो The earth is surrounded by air. So, ये किससे surrounded होता है? Air से होता है। It means कि चारों तरफ क्या होती है? Air होती है, हवा होती है। The space above, far away from us, is the sky. Sky क्या है? Sky एक space है जो हमसे बहुत दूर है। ठीक है? The sun, the stars, and moon shine in the sky. स्काई में क्या क्या होते हैं? स्काई में सन होता है, स्टार्स होते हैं। आपने देखे होंगे ना, नाइट में स्टार्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लिंक करते हैं, ना शाइन करते हैं। एंड आपने क्या देखा होगा? मून देखा होगा। ओके किड्स, सो ये सब क्या होता है? स्काई में होता है। नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट सन। व्हाट इज सन? ओके, वी सी द सन इन द डे। हम देखते हैं ना, जब हम मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ी सी बॉल है, एंड जो लाइट दे रही है हमें, इट मीन्स जो हमें रोशनी दे रही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। द सन इज बिग एंड हॉट। यू नो, जब सन आता है तो उसकी वजह से क्या होती है? लाइट, यानी कि रोशनी होती है जगह, है ना। और ये सन कैसा होता है? गर्म होता है, हॉट होता है बहुत, है ना। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हमें क्या देता है? लाइट देता है एंड हीट देता है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल नीड सनलाइट। ओके, अब सनलाइट की जरूरत किस किस को होती है, किस किस को नीड होती है सनलाइट की? सो हम सबको नीड होती है सनलाइट की, प्लांट्स को, एनिमल्स को, है ना, पीपल को। अगर सनलाइट नहीं होगी तो किड्स वी आर अनेबल टू लिव। ओके, प्लांट्स भी लिव नहीं कर पाएंगे, एनिमल्स भी लिव नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट। यू नो किड्स, अगर ये सर्कल है, ये अर्थ है हमारा, सो किड्स हमारा जो सन है वो किधर से वेकअप होता है? वो ईस्ट से होता है। किधर से होता है? ईस्ट से होता है। द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट। ओके, कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। द सन सेट्स एवरी इवनिंग इन द वेस्ट। सो सन मॉर्निंग में आता है, किधर से आता है? ईस्ट से आता है। एंड वो बाय बाय टाटा कब करता है? इवनिंग में। एंड इवनिंग में बाय बाय टाटा कब कौन सी साइड से करता है? वेस्ट में करता है। ओके किड्स, तो किस साइड करता है? वेस्ट में करता है। ओके किड्स,
इट इज नाइट देन, एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रात हो जाती है, उसके बाद नाइट हो जाती है एंड सन की ड्यूटी खत्म हो जाती है. ओके, फिर ड्यूटी किसकी स्टार्ट होती है, फिर किसकी जॉब स्टार्ट होती है, मून एंड स्टार्स की, राइट. एंड एज यू कैन सी दिस इज सन, ओके, दिस इज बिग हॉट बॉल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मून, so it is moon along with little stars, as you can see kids, right. So the moon and the stars look at the sky at night. In the morning you can see a sun, but in the night you can see in the sky a moon and stars. There are thousands of tiny lights in the sky, and stars kya hota hai, बहुत छोटे छोटे हमें लाइट्स दिखती हैं जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, बट वो छोटे नहीं होते हैं बिकॉज वो हमारे अर्थ से बहुत दूर होते हैं, दैट्स व्हाई वो हमें छोटे दिखते हैं, लिटिल दिखते हैं. ओके किड्स, दीज आर स्टार्स, और जिनको हम स्टार्स कहते हैं, दे ट्विंकल इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ओके किड्स, सो वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं. We cannot see them in the daytime because हम उनको मॉर्निंग में नहीं देख सकते हैं, हम उनको डे में नहीं देख सकते हैं. Why? Because of the sun that has so much of light. क्यों नहीं देख सकते हैं? Because उस टाइम तो सन की ड्यूटी होती है ना, सन होता है उस टाइम पे, एंड सन की वजह से क्या मिलता है हमें, लाइट मिलती है, बहुत सारी लाइट होती है, तो इतनी सारी लाइट में स्टार्स नहीं दिख पाएंगे ना, सो दैट्स व्हाई हमें मॉर्निंग में और डे में स्टार्स नहीं दिखते हैं. वी ऑल्सो सी मून इन द स्काई एट नाइट. ओके, सो हमें मून कब दिखता है, हमें मून दिखाई देता है नाइट में. वी कैन सी मून इन द नाइट, द मून लुक्स लाइक अ सिल्वर बॉल इन द स्काई. आपने देखा कि सन कैसा होता है, अ हॉट बॉल, एक हॉट बॉल की तरह होता है, राइट. बट मून कैसा दिखता है, मून लुक्स लाइक अ सिल्वर बॉल, एक सिल्वर बॉल की तरह दिखता है. द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड द सन. डू यू नो किड्स, जो मून होता है वो अर्थ से एंड सन से भी छोटा होता है, यानी कि स्मॉल होता है ना किड्स. Like the sun, stars and moon are also very far from us. Do you know kids? Sun, stars, moon, ये सब हमसे बहुत far away हैं, बहुत दूर हैं. That's why हमें वो क्या दिखते हैं, little little, छोटे छोटे, smalls दिखते हैं, small दिखते हैं kids, है ना. The star looks so small because they are very very far away from us. वो हमें क्यों छोटे दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ओके किड्स, लुक एट द स्काई एट नाइट एवरी डे, डज द मून ऑलवेज हैव अ राउंड शेप. ओके किड्स, नाउ आपने मून देखा होगा नाइट में, सो क्या आपको पता है कि मून कितनी शेप्स चेंज करता है. आपने देखा होगा ना, कभी राउंड होता है, कभी सेमी सर्कल होता है, राइट, कभी कभी बिल्कुल गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. सो वो कैसे होता है, लेट्स नो अबाउट इट टुडे. ओके, सो डू यू आइडेंटिफाई दीज फेजेस ऑफ द मून. नाउ अभी हम जानेंगे सबसे पहले क्या होता है, फुल मून होता है. सो हम क्या बोलते हैं, जब के हम पूरा मून देखते हैं, यानी कि फुल मून देखते हैं, हमें पूरा एक सिल्वर राउंड बॉल नजर आती है स्काई में, तो वो क्या होता है, फुल मून होता है. ओके, एंड दैट्स कॉल्ड हाफ मून. ये जब हमें इसका हाफ साइज दिखाई देता है मून का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाफ मून बोलते हैं. ओके, सो व्हेन इट इज अ फुल राउंड वी कॉल इट द फुल मून. जब वो फुल राउंड होता है तो हम उसको बोलते हैं फुल मून. Then we can see half a moon, so we call it the half moon. जब हमें वो half moon दिखता है तो हम उसको बोलते हैं half moon. When it looks like a slice of a melon, जब वो
मेलन जब वो एक स्लाइस की तरह दिखता है, मेलन की स्लाइस की, वाटरमेलन आपने खाया होगा ना, वाटरमेलन की स्लाइस की तरह दिखता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून. ओके किड्स, देन वी हैव नो मून एट ऑल. फिर उसके बाद हमें मून नहीं दिखाई देता है. व्हाई किड्स? बिकॉज मून धीरे धीरे अपनी शेप्स चेंज करता है. जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, तो मून अपनी शेप्स चेंज करता चला जाता है. देन फिर वो एक न्यू मून बनता है. क्या बनता है किड्स? न्यू मून. एंड न्यू मून कब बनता है किड्स? वी डू नॉट सी द मून एट ऑल ऑन अमावस्या. अमावस्या के दिन आपने भी सुना होगा ना, अमावस्या के दिन मून नहीं दिखता है. एंड उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू मून बोलते हैं. तब फिर से ये साइकिल सेम रन करती है. फिर से फुल मून आता है, फिर हाफ मून आता है, एंड देन क्रिसेंट मून. ओके किड्स, ओके, व्हाट वुड हैपन इफ द सन डिसअपीयर फॉर अ डे? ओके किड्स, डू यू नो, अगर सन एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? डू यू नो, अगर सन एक दिन नहीं निकलेगा, अगर सन एक दिन के लिए गायब हो जाएगा, छुट्टी पर चला जाएगा, तो किड्स जो हमारे अर्थ पर लाइट होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? सन की वजह से होती है. बट सन अगर छुट्टी पे चला जाएगा तो क्या होगा? डार्क हो जाएगा. हमें हीट किससे मिलती है? सन से मिलती है. अगर सन छुट्टी पे चला जाएगा तो क्या होगा? हमें हीट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा. सो जिस दिन अगर अगर सो सो कैच अगर एक दिन के लिए सन गायब हो जाता है या छुट्टी पर चला जाता है, तो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती हो जाएगी. तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. डू यू नो किड्स, हम सब के लिए सन बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, इस अर्थ के लिए. ओके, सो अगर सन डिसपियर्ड हो जाता है, डिसपियर्ड हो जाता है वन डे के लिए, तो अर्थ पे क्या होगा? डार्क हो जाएगा, कोल्ड. अर्थ क्या हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी, है ना. प्लांट्स विल डाई, प्लांट्स मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनका खाना क्या होता है? उनका खाना सनलाइट होता है. ओके किड्स, ड्रॉ एंड कलर द सन, द अर्थ, स्टार एंड मून. नाउ किड्स, यू ऑलरेडी हैव सीन कि सन कैसा होता है, स्टार्स कैसे होते हैं, मून्स कैसा होता है. सो आपको अपनी नोटबुक में ये तीनों चीजें ड्रॉ करनी है एंड कलर्स करनी है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सर्कल द राइट वर्ड इन ईच लाइन. ओके किड्स, द डैश इज लाइक अ बिग बॉल. ओके, नाउ टेल मी, अर्थ इज बिग बॉल और स्टार इज बिग बॉल? अर्थ. सो वी विल सर्कल दिस. सो द अर्थ इज बिग बॉल. द सन राइजेज इन द ईस्ट. वेस्ट किधर? द सन राइजेज इन द ईस्ट और वेस्ट डेली. सन किधर से राइज होता है? ईस्ट से. कौन से डायरेक्शन से होता है? ईस्ट से. द मून इज नॉट सीन ऑन द नाइट ऑफ. मून कब नहीं दिखाई देता है हमें? अमावस्या पर. ओके किड्स, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. मैच द राइट पेयर्स. ओके, सन हमें क्या देता है किड्स? लाइट. ओके, अर्थ, व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज अ बिग बॉल. मून, व्हाट इज मून? मून इज अ सिल्वर बॉल. स्टार्स, स्टार इज अ ट्विंकल. ओके किड्स, चूज राइट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. किड्स, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज वी लिव ऑन द, वेयर वी लिव? ऑन अर्थ. ओके, सन, द सन इज अ डे एंड हॉट. सन कैसा है? बिग एंड हॉट. द सन सेट्स इन द, सन कौन से डायरेक्शन में सेट होता है?
West में the dash is smaller than the earth and the sun. Sun and earth से भी small क्या होता है? Moon. We do not see the sun at all in night. Okay, kids. Answer the following questions. What is the earth made up of? Kids, earth किससे बना हुआ है? Earth कैसे बना हुआ है? Land and water. Earth, land and water से बना हुआ है. Okay. What is the earth surrounded by? Earth किससे surrounded है? Air से. Okay, kids. What is the sun? Sun is a big and hot ball. Sun is a big and hot ball. Okay, kids. Why can we not see the moon and the stars in daytime? Hum daytime mein moons and stars ko kyun nahi dekh sakte? Because of sun. Because of sun that has हम क्यों नहीं देख सकते हैं सन की वजह से. सन की वजह से क्यों नहीं? बिकॉज सन बहुत सारी लाइट देता है. बहुत सारी सन की वजह से बहुत सारी लाइट होती है ना, रोशनी होती है, जिसकी वजह से हम स्काई में स्टार्स और मून नहीं देख पाते हैं. सो बिकॉज ऑफ सन दैट हैज सो मच लाइट. Okay, kids. Why do stars look so small? Stars छोटे क्यों दिखते हैं? Because they are far away from us. वो हमसे बहुत दूर हैं. Far away from us. Okay, kids. What is called the new moon? When we do not see the moon at all, on Amavasya, we call it full new moon. We call it new moon. Okay, kids? So kids, that's all for today. I hope you have enjoyed a lot. Till next video, stay healthy and fit and keep studying. Bye-bye.